हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक परमानेंट स्किन वाइटनिंग विटामिन सी सीरम। सो गाइस, ये सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके हमें वाइट एंड ब्राइटन स्किन देगा। सो गाइस, विटामिन सी सीरम हमारी स्किन की नेचुरली केयर करता है और इसमें एंटी एजिंग और एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे स्किन टाइटन होती है। और गाइज, ये सीरम बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारी स्किन से एक्ने पिंपल्स को, टैनिंग को दूर करेगा, साथ ही साथ अगर हमारी स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होंगी। और साथ ही साथ अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, वाइट एंड ब्राइटन बनाना चाहते हैं, तो ये सीरम आपके लिए बेस्ट है। सो गाइज, इस सीरम को किस तरीके से बनाना है और यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले इसको किस तरीके से बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो गाइस, इस सीरम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए लेमन। सो गाइस, लेमन सबके घर में अवेलेबल होता ही है। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल के बाद हमें चाहिए स्वीट आलमंड ऑयल, बादाम का तेल और लास्ट हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इस सीरम और क्रीम को बनाना बहुत ईजी है, आप इजीली इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें आधा नींबू का रस ऐड करना है। उसके बाद इसमें जो आपको बीज दिख रहे हैं वो आप अच्छे से निकाल लीजिए, एक स्पून की हेल्प से आप इसके बीज इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल की डाल लीजिए। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो है 2 चम्मच एलोवेरा जेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सुबह से आप इसे तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि ये एक सीरम थोड़ा सा जेल फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से ये एकदम क्रीमी तो नहीं बनेगा, ये एकदम सीरम और जेल की तरह होगा, थोड़ा सा लिक्विड होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सुबह से अब हमारा विटामिन सी सीरम एकदम रेडी है। अब इसे किस तरीके से स्टोर करना है मैं आपको बताती हूँ। सुबह से आपको एयरटाइट कंटेनर लेना है, इसमें आप इसे डालकर 5 से 7 दिनों तक इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप थोड़े ही दिन का बनाएं और इसे फ्रेश फ्रेश बनाकर यूज़ करें। सो गाइस, ये सीरम परमानेंट स्किन वाइटनिंग सीरम है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको बनाना भी बहुत ईजी है। सो गाइस, ये सीरम 100% इफेक्टिव है, इसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाने के साथ साथ आपकी स्किन से एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम और साथ ही साथ डार्क स्पॉट टैनिंग को दूर करके आपको वाइट एंड ब्राइटन स्किन देगा। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, जब भी आप इसे यूज़ करें अपना फेस अच्छे से वॉश करें, क्लीन करें ताकि आपके फेस से डर्ट एकदम निकल जाए। और उसके बाद आप इसे फिंगर टिप की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप अपने फेस की मसाज कीजिए। तो गाइस, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद अगर आप इसे रात को लगा रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट लगाकर छोड़ दीजिए, और अगर आप इसे डे में लगा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। सो गाइस, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो स्किन है वो वाइट एंड ब्राइटन हो रही है। सो गाइस, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी कुछ ही दिनों के अंदर दूर होगी। सो गाइस, इस विटामिन सी सीरम को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।